Assalamualaikum friends, मेरा नाम है नाजिम, आप देख रहे हैं नाजिम एजुकेशन स्टूडियो। बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे सवाल किया कि पीएसटी टेस्ट दोबारा कब कंडक्ट होगा, एनटीएस कब दोबारा नया टेस्ट अरेंज करेगा, क्योंकि एनटीएस हाई कोर्ट में अपना केस हार चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने भी मंजूरी दे दी है कि आप लोग एक नया टेस्ट कंडक्ट करेंगे, लेकिन उस केस को एनटीएस ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन केस हाई कोर्ट से खारिज कर दिया गया है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की डिसीजन को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस बात को साबित कर दिया कि टेस्ट वाकई लीक था। एनटीएस के पास इस बात की कोई सबूत नहीं थे कि हमसे टेस्ट लीक नहीं हुआ। तो इस हवाले से मैंने अपने कई सारी वीडियोस में आप लोगों को पहले भी अपडेट किया था कि एनटीएस हर हाल में टेस्ट दोबारा कंडक्ट करेगा, लेकिन उस वक्त बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया कि एनटीएस आज केस अपलोड कर रहा है, केस को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, आप ऐसी अपनी तरफ से कह रहे हो, आपके पास क्या सबूत है। तो आज तो आपको इस बात का अंदाजा हो गया है कि एनटीएस हर हाल में इस टेस्ट को रिकंडक्ट करेगा, लेकिन कब रिकंडक्ट करेगा, इसका नया सिलेबस किस तरह होगा, एनटीएस की तरफ से न्यूज किया है, सारी इंफॉर्मेशन डिटेल के साथ आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए कि आप हमें एनटीएस से इंफॉर्मेशन लेकर हमारे साथ एक नई वीडियो में शेयर कर दीजिए। तो इस हवाले से मैं डिटेल इंफॉर्मेशन आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कीजिए। फ्रेंड्स, YouTube से रिलेटेड मैंने एक नया चैनल बनाया है जिसपे मैं YouTube से रिलेटेड कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, टेक्निकल नाजिम। आप YouTube में सर्च करेंगे टेक्निकल नाजिम तो आपको आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस चैनल का विजिट कीजिए। अगर आपको कॉन्टेंट पसंद आता है तो जरूर उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार रहूंगा। चलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो यह है कि एनटीएस दफ्तर के साथ जब हमने राबता किया, पिछले दिन राबता किया था कल के दिन, कि क्या अपडेट है, आप लोग टेस्ट को अरेंज कर रहे हो या सुप्रीम कोर्ट में इस केस को दोबारा चैलेंज कर रहे हो, तो उनका कहना था कि हम टेस्ट को अरेंज कर रहे हैं, हमने काम स्टार्ट कर दिया, पेपर कंपोजिंग पे इस वक्त काम स्टार्ट है, फिर हम इसको आगे भेजेंगे। अभी फिलहाल कंपोजिंग हो रही है, नए पेपर्स वो बना रहे हैं तो उसको आगे वो प्रिंटिंग में भेज देंगे, तो जब सारे पेपर्स तैयार हो जाएंगे। तो मैंने उससे पूछा कि इसमें तकरीबन कितना टाइम लग जाएगा, उनका कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक महीने का टाइम लग जाएगा, उसके बाद हम अपने वेबसाइट पर भी ये अनाउंस कर देंगे कि हमने ये डेट रख लिया। एक से डेढ़ महीने के अंदर अंदर एनटीएस का प्लान है कि वो पीएसटी टेस्ट को रिकंडक्ट कर रहा है, लेकिन सिलेबस के बारे में जिस तरह अभी टेस्ट हो गया, जिसको अभी कैंसिल कर दिया गया, तो वो काफी टफ सिलेबस था, जिसपे भी सवालात उठ गए थे कि ये बीसी लेवल तक था। तो इसके बारे में एनटीएस के कहना था कि हमने इस पर नजरसानी की है, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं लेकिन ज्यादा नहीं करेंगे। और आप लोगों के साथ मैंने पीएसटी टेस्ट के जो नया सिलेबस है उसके हवाले से भी मैंने आपके साथ एक वीडियो बनाई थी और आपके साथ शेयर की थी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट में एनटीएस का कोई प्लान नहीं है कि पीएसटी टेस्ट को चैलेंज करे, एनटीएस दोबारा से इस केस को नहीं ओपन करना चाहता। पीएसटी टेस्ट का जो न्यू डेट है वो 45 दिन के अंदर अंदर एनटीएस का प्लान है कि वो इसको रिकंडक्ट कर लेंगे। एनटीएस ऑफिस की तरफ से ये ऑथेंटिक न्यूज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, टाइम टू टाइम आपके साथ इसी तरह न्यूज शेयर करता रहूंगा। हमारे साथ रहिए, अल्लाह हाफिज।